एक्टिव ब्रॉन्ज सिटी और ये है यहाँ का डाउन टाउन। तो गाइस जो सामने में दिख रहा है वो है गोल्डन गेट ब्रिज। चलो बाबू गाइस हम लोग आ गए हैं पैराडाइज बीच पार्क। सैंडी नहीं खा रहे आप? बनाना? बनाना नहीं खा रहे हो आप? हम लोग आ गए हैं पैराडाइज बीच पार्क पे और यहाँ पे पार्किंग फी है $5 जो आपको मशीन पे टिकट मिल जाएगा, आप मशीन में डालो तो मोटू कर लेंगे। की लहरें बिल्कुल यहाँ तक दिख रही हैं। ये देखिए यहाँ पे बोर्ड वॉक बना हुआ है, आप बोर्ड वॉक पे जाओ, वहाँ पे घर हैं लोगों के, अपने खुद के पर्सनल वो बने हुए हैं, बहुत ठंडा हो रहा है, हाथ फ्रीज हो गए। ये तो बहुत प्यारी है पर इतने ठंड हो ना, हाथ फ्रीज हो रहे हैं क्योंकि एक तो अभी हाथ हो के आई ठंडे पानी से। बहुत ही प्यारी जगह, बहुत ही औसम जगह, आप यहाँ आ सकते हो। सैन फ्रांसिस्को की बहुत पास है जगह, और मतलब अभी हम आ रहे थे ना तो सारे इतने प्यारे प्यारे घर थे। ऑफ कोर्स ये एक रिच एरिया, पॉश एरिया आप कह सकते हो, काफी अमीरों का इलाका जिसे कहते हैं वो है ये जगह। अभी भी चले जाओ ट्रैफिक आपको मिल ही जाएगा। तो गाइस हम हैं बे एरिया में और यहाँ पे ना आपको बहुत ज्यादा बहुत सारे इंग्लिश देखने को मिल जाएंगे वॉक करते हुए बे एरिया में। और हम लोग हैं सैंटा क्लारा काउंटी सैन होजे में, जगह का नाम है सैन होजे और काउंटी है सैंटा क्लारा, और यहाँ पे बहुत सारे आपको इंडियंस दिख जाएंगे। और मतलब अगर आप इधर आते हैं तो आपको आराम से इंडियन खाना मिल जाएगा, आपको कभी भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इंडियन कैसे मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पे है पैराडाइज बिरयानी, तो यहाँ से हमारा खाना आएगा अभी तैयारी में। तो गाइस यहाँ पे देखिए हम थोड़ी देर अपने लिए लंच लेने क्या गए थे सबके लिए, सैंडी जी ने देखिए क्या कर दिया। पैराडाइज बिरयानी से खाना जिसमें आया है सैंडी के लिए हमने लिया राइस एंड येलो दाल, एंड अभी खोल के दिखाती हूँ मैं येलो दाल। येलो दाल पर सैंडी राइस ठीक है। खतरनाक जाम है, इतने लोग आए हुए हैं बिक्सर में कि गाड़ियां रुक जा रही हैं, खड़ी हो गई हैं 5-5 मिनट के लिए खड़ी हो जा रही है रोड पे। बड़ा जाम लगा है यार, 3-4 बार तो इतने जोर जोर से ब्रेक लग चुके हैं कि हम आगे पहुंच गए हैं। चक, चक,
एक्चुअली क्या करते हैं ना लोग, गाड़ियां निकल भी रही होंगी, एक्चुअली पता भी नहीं चल रहा कि गाड़ियां आगे उधर मतलब पार्किंग ले जाना चाहती है या क्या कर रही है। फाइव फॉल और अब हम जा रहे हैं इसके ट्रेल में और देखने जा रहे हैं वाटरफॉल, तो लेट्स गो। एंड देन हमें इधर जाना होगा रोड को क्रॉस करके। गाइस सैंडी बाबू उधर जाना हमें, हमने गाड़ी पार्क करी देन हमने नदी क्रॉस करी देन हम रोड देन इधर है फाइव ऑफ ब्रिज फॉल। नो डॉग्स और बाइक्स, बाइक्स और डॉग्स अलाउड नहीं इधर। पत्थर नहीं फेंको, चलो जल्दी चलो बाबू, तुम और टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब हम लोग ट्रेल में हैं, मैं और सूरज आ रहे हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है। सैंडी उसके बाद पीछे से मतलब वो आएंगे या आधे से वापस चले जाएंगे, काफी लोग आ रहे हैं आगे से। ये सीढ़ियां चढ़नी है ऊपर, आई डोंट नो फॉल का है, मुझे पानी भी नहीं दिख रहा कुछ ज्यादा। तो गाइस हार्ट बीट इतनी तेज हो गई है, टुक 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 टुक। नीचे से भागते जा रही हूँ ऊपर सूरज को वहां छोड़कर। फाइनली आई मेड इट, मैं पहुंच ही गई अकेले अकेले फाइव ऑफ फॉल तक। पहली फॉल देख कर आए थे, उसके बाद हमने फाइव ऑफ फॉल देखा, फाइफर फॉल नॉट फाइजर, क्योंकि फाइजर तो कोविड का वैक्सीन था, फाइफर फॉल ये जो देखा है देखा ना, ये कुछ भी नहीं था। मतलब आपने देखा होगा बर्नी फॉल में इतनी सारी आ रही थी लहरें पानी के, क्या बोलेंगे, नल खोल लो जैसे किसी ने बड़ा सा, यहाँ पे ऐसी छोटी सी बूंद आ रही थी पानी। तो ज़्यादा अच्छा वो नहीं आ पा रहा है, आप देख पा रहे हो लाइट भी कितनी खराब गई है, ऑल दो फिर भी मतलब जो आपको कैमरे में दिख रही है ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ रोशनी है, यहाँ पे और ज़्यादा अंधेरा हो गया फिर भी क्योंकि फ्लैश लाइट मार रहा है। तो सुबह के बज रहे हैं 2:30 और हम लोग पहुँच चुके हैं घर। तो होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये ब्लॉग हमारे अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियोज़ को कर दीजिए शेयर। आपसे मिलते हैं नए ब्लॉग में बहुत ही जल्द, होप तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। तो गाइस रात के 2:30 बजे हम घर पहुंच गए थे और मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी फाइव ऑफ फॉल से आते हुए, तो उसके आगे मैं शूट नहीं कर पाई। एंड गाइस फाइव ऑफ फॉल जाने में और आने में हमें कुछ 45 से 60 मिनट यानी एक घंटा लगा होगा और हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे थे फाइव ऑफ फॉल, आई थिंक 4:30 के बाद हम पहुँचे थे। एंड जो हमने अपना
ट्रेल स्टार्ट किया था, वो 4:30 के बाद स्टार्ट किया था, काफी अंधेरा हो गया था। तो फाइव फॉल के उस ट्रेल पे तो सैंडी उसके पापा आए भी नहीं, मैं और सूरज ही गए थे। एंड फाइव फॉल का जो ट्रेल है ना गाइस, वो बहुत ही औसम है, मतलब बहुत ही प्यारा है। अगर आप जल्दी जाओ फाइव फॉल और वहां पे मतलब ट्रेल में जाओ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑल दो शायद हम गलत सीजन में पहुंचे थे या वट एवर, फाइव फॉल पे जो वाटरफॉल था उस पर पानी बहुत कम था, बट ट्रेल वॉज ऑसम। मतलब अगर आपके साथ बच्चे हैं तो काफी इजी वो ट्रेल है और बच्चों को बहुत मजा आएगा, तो आप जा सकते हैं। एंड देन वहां पे नदी भी है छोटी सी, उसमें भी खेल सकते हैं। देन वहां पे पार्क, मतलब बैठ के खाने के लिए, पिकनिक के लिए बहुत अच्छा एरिया है। तो अगर आप कभी कैलिफोर्निया आते हैं तो आप फाइफर बीच या फाइफर फॉल को अपने बकेट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। वैसे हम लोगों को जाना था मैकवे फॉल, बट मुझसे गलती हो गई थी, मैं कंफ्यूज हो गई थी, हम लोग फाइव ऑफ फॉल पहुंच गए। बट अच्छा ही हुआ कि फाइव ऑफ पहुंचे, वहां पे काफी कुछ देखने को मिला और अच्छा लगा। तो गाइज आई डोंट नो आपको हम लोगों के ये ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं गाइज तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। थैंक यू गाइज, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए।